जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, अभी मोर खेती के जो पार्ट टू के लाइव है, बोला मैं आप मन के बीच में मोर अनुभव ला सब जन के बीच में शेयर करे बार मैं आज प्रस्तुत करत हूँ। और अभी हर दिन जब भी गांव में रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सुबह यहाँ पहुँचा जाए। तेकर से न केवल खेती देख के आत्म संतुष्टि के एहसास होते, बल्कि साथ ही साथ ओकर ले भी जो बड़े बात है वो हर है कि शरीर के लिए एक नेचुरल वॉक हो जाते, यहाँ तक साइकिल से आए ले साइकिलिंग हो जाते और बड़ा अच्छा एहसास होते। खुला आसमान में, गांव के वातावरण में सूर्य उदय होते हुए देखना सब एक अलग एहसास होते, बहुत अच्छा अनुभव होते। तो आज मैं आपन के बीच में मोर खेती पार्ट टू के लाइव आपन के बीच में प्रस्तुत करत हूँ। ये सबसे पहली मैं अपन के खेत ला दिखाना चाहा, आप मन देख सका था। ये खेत की स्थिति अभी ऐसे है, पूरा जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा खेत की स्थिति है, इसमें अभी केला के फसल लगाए गए हैं और साइड में ये नारियल लगे हुए हैं, जो मैं पहली वीडियो में भी ये सब चीज मतलब दिखा रहे हूँ, शुरुआती दौर रही से। अभी जो मोर कुछ विशेष अनुभव है मतलब आप मन के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज तो जैसे केला में लगे हुए, साथ में अलग प्रकार के पेड़ लगे हुए, रोड किनारे में अलग पेड़ लगे हुए, तो सबसे पहला चीज मुझे लगता है कि कर प्रॉपर मैनेजमेंट पर ऐसे अलग से वाल्व लगाना चाहिए पेड़ के लिए। ये जो हरा रंग के दिखा था ड्रिप के लाइन में वाल्व, ये वाल्व अलग से लगाना चाहिए। जो हरा रंग के टोटी दिखा थे ये मैं टच करके दिखाता हूँ, ये बंद करना है, चालू करना है, अलग से हैंडल किए जा सकते थे। कर ले बंद हो जाए, ऐसे आड़ा कर ले, सीधा कर ले, चालू हो जाए। ये वाल्व अलग से लगाना चाहिए, काबर की केला में अलग प्रकार के कई बार फर्टिगेशन चलना है, कुछ अलग चीज देना है जो नारियल में नहीं देना है, तो बंद किए जा सकते थे। बट कई सा चीज मतलब कॉमन देना है, जैसे पानी देना है तो दोनों में मान लो पानी देना है, तो वो खनी एला कंट्रोल किया जा सकते थे कि साथ में रखना है कि साथ में नहीं रखना है, ये चीज ला कंट्रोल किया जा सकते थे। एक छोटे से अनुभव ये वाल्व के बताना चाहता हूं मैं। ऐसे गर्मी के समय में केला के फसल लगाए गए है, एकला वही बहुत यकीन की बहुत दिक्कत होते, बचाए में बहुत परेशानी के सामना करना पड़ते, ऐसे कई छा बात मोला बहुत झा आदमी अलग अलग तरीका से बोली। लेकिन साथ ही साथ होकर गर्मी के समय में केला खेती करे के देसी तरीका भी कई जो बताई मोर अनुभव से सीखे कि जो हमारे पुराना समय में जो रथे आप मैंने खेत ला देखा तो ऐसे लगा था केला खेत तो होइसे नहीं टाइप के एहसास होत हो आप मतलब। तो ये जो लगे हुए हैं ये गर्मी के समय में केला खेती करे बर ये सब चीज लगाना बहुत जरूरी है। ये हमारे बचपन ले हमें सब सुनत आए हैं ढेंढेना ढेंचा, वो ढेंचा के पौधा है और ये हर साथ में सन के पौधा है, संडाइल सन, जो पहली हमन बचपन में संडाइल से खेलन तीर धनुष या संडाइल चलाए के, वैसे से सन के पौधा है ये वाला है और ये ढनढना पौधा है और इससे साथ में केला के पौधा लगे हुए हैं। एक खेत ला देखिये केला के पौधा मन लगभग नहीं के बराबर दिखत नहीं है, तो गर्मी में अगर केला के खेती करा था तो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन और प्रॉपर सिस्टम होना बेहद 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 जरूरी है। ये ढनढना जो है या सन जो है एक तीन ठ प्रमुख कार्य है। एक तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते, हमार वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है, लेकिन कोई पौधा डायरेक्ट वो नाइट्रोजन ला नहीं ले पाए। लेकिन ये मन हम बचपन में पढ़े दलहनी फसल कई ठर रथे, ये सन है, ढेंचा है, ये मन जो वातावरण के जो नाइट्रोजन है ओला अपन के जड़ में लान के फिक्स करते हैं और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा ला पूरी तरह से बढ़ा देते हैं। ये पहला काम होते। दूसरा, गर्मी के समय में केला झुलस जाते तो केला की खेती करना बहुत मुश्किल है, गर्मी में बचाना केला बहुत मुश्किल जाते। लेकिन जब ऐसे ढेंचा सन के साथ केला के फसल किए जाही तो देखा दूर ले देखिया तो केला पता भी नहीं चला थे, लेकिन जब आप पास में जाके देखिया तो केला के पेड़ बहुत हेल्दी तरीका से
ग्रो करत हैं। यह जो देसी तरीका है सन ला ढंढना ला यूज करे के जो तरीका है, ये तरीका मन बहुत ही लाजवाब मोला लगी और काफी अच्छा अनुभव हुई से। ये आप देख सका था कि कई ठे केला पौधा मन कतका तेजी से ग्रो करत हैं और गर्मी के मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा थे, जबकि सब तरफ सुने मिलते कि केला के खेती में गर्मी से ये हो गए, गर्मी से वो हो गए, लेकिन काफी अच्छा तरीका से पौधा मन ग्रो करते। निश्चित रूप से स्ट्रगल भी करते हैं गर्मी के कारण से, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है कि कोई सर्वाइवल के इशू है कि कोई समस्या है। आप देख सकते हैं यार मार्च के आखिरी हफ्ता में लगभग लगाए हुए पौधा है और इमन के ग्रोथ देख सकते हैं, लाजवाब तरीका से ग्रो करते हैं। और तो ये अनुभव मैं आप मन के बीच में मूल रूप से शेयर करना चाहते हैं कि गर्मी में अगर केला के खेती किए जाते, तो गर्मी में अगर केला खेती किए जाते तो सन ढेंचा इमन के साथ लगाना जरूरी है। जैसे आप देखा पूरा खेत तो देखिया तो ऐसे लगी कि यहाँ केला लगे ही नहीं है और केला अंदर में रही। तो पहला चीज है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते, दूसरा गर्मी के समय में लू से धूप से केला पौधा बचाते, और तीसरा एक प्रयोग हरित खाद के रूप में कर सकते हैं। जो जैसे एक खेत है केला में 3 फीट 4 फीट कटवा के लेबलिंग कराए हूँ, तो मैं उर्वरता फर्टिलिटी जमीन के बहुत ही कम है, बहुत ही अनुपजाऊ टाइप के जमीन रही से, तेकर कारण से इमें गोबर के खाद डालना, हरित खाद जैसे ये सन है ढेंचा है इमन के प्रयोग करना बेहद जरूरी है। वो दृष्टिकोण से भी एक बहुत ज्यादा उपयोगिता मोला समझ में आई से, ये चीज मैं विशेष रूप से आप मन के बीच में शेयर करना चाहते रहे। दूसरा जब भी जमीन ल काट के नया खेत में नया खेती कर किए जाते तो हमला प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद ऑर्गेनिक मैन्योर ये मतलब ज्यादा से ज्यादा डाले जाए, हरित खाद मन के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। आप ये देख सका था कि ये काप मिट्टी है गांव के जमीन से, गांव के तालाब के नीचे से निकले हुए काप मिट्टी है, यह भी काप मिट्टी है, ये मन के भी प्रयोग हमन करत हन अच्छा तरीका से, ताकि उपजाऊपन है जमीन के बढ़ाए जा सके। जो 3 फीट 4 फीट जमीन ला काट के बनाए हैं ते में दिक्कत ना है। ये दूसरा ये काप माटी मन के भी प्रयोग करके जमीन की उर्वरता बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकते है और नेचुरल तरीका से जमीन ला अच्छा किया जा सकते है और अच्छा प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म तक लिए जा सकते। ये आप मन देखा था ये हर कच्चा गोबर मोर कर आगे रहीस, बहुत सारा कच्चा गोबर मिले रहीस, 2 साल 3 साल के सड़े हुए पके हुए गोबर नहीं मिले रहीस, तो सीधा कच्चा गोबर ला डायरेक्ट उपयोग खेत में करे ले बहुत सारा समस्या थे, ओकर फायदा भी कई प्रकार के कम मिलते, और दूसरा जो समस्या थे कि उनमें कीट पतंगा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा हो जाते, कीट पतंगा गोबर के जो साथ जो कीड़ा आते थे बहुत बहुत ज्यादा आ जाते, तेकर बोला डीकम्पोज करना बहुत जरूरी है, ओकर डीकम्पोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कच्चा गोबर मिले रही सोला पहले डीकम्पोज करें, डीकम्पोजर एक था थे आप सब जानते हैं, ओला ओला ओकर घोल बना के ओला डाल के पानी सब बल्ब में पानी डाल डाल के ओला बड़े पॉलिथीन से पाल से ढक के ओला 21 दिन तक मैच्योर होने देते, फिर उल्टा पलटी करके फिर वो प्रोसेस एक बार कर सका था, तब गोबर सड़ते सड़े हुए गोबर लही हमला उपयोग करना चाहिए। ये आप देख सका था भूसा भी यहाँ पर है और एक हमार देसी कुत्ता मन बड़ा आनंद के साथ इंजॉय करत है, इमन के बड़ा उपयोगिता है खेती में विशेषकर बंदर के संदर्भ में। ते मन जब रही तो बंदर मन कभी आए बहुत रही, स्पेशली जब पेड़ नहीं है तो ये चीज ला विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो हमन कुछ भी बांसते खोजते कभी जो भी थोड़े कुछ खाए पिए के तो देसी कुत्ता मन दे देते हैं, तो मन अपन के अड्डा बना ले हैं और ओकर कारण से इमन एंजॉय भी करते हैं और बंदर वगैरह ला भगाए में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन देसी और प्रैक्टिकल तरीका है जो मन बहुत उपयोगी नहीं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो उनका बंदर के प्रकोप है ओकरा अगर बंदर नहीं भगा सकबो ओकर प्रॉपर व्यवस्था नहीं करबो तब तक संभव ही नहीं। हालांकि मैं काफी सिस्टम भी बनाए हुए देख सका था आपकी सीमेंट पोल है फिर चैन लिंक फेंसिंग है ओकर ऊपर में सोलर के इलेक्ट्रिक वायर है सोलर वाला हल्का झटका वाला तो ओकर भी उपयोग होते। एक अलावा ये सोलर पैनल अभी यहाँ लगा था हमन यहाँ एक कैंपस में 3 ठ बोर है 2 ठन इलेक्ट्रिसिटी से चलते और 1 ठ सोलर से चलते, तो कम से कम 1 ठ बैकअप के लिए सोलर पावर प्लांट जरूर से होना चाहिए मोला लगते, कभी भी पावर हर धोखा दे सकते है और वो स्थिति में हमारे फसल काफी नुकसान हो सकते है। ओकर अलावा एक चीज और मैं जिक्र करना चाहता हूँ,
वो हरे इरिगेशन सिस्टम के जो वाटर मैनेजमेंट है तेकर में विशेष रूप से जिक्र करना चाहत हूँ। इमे जो मोर अनुभव हुई से तेला बताना चाहत हूँ। जब बोर से डायरेक्ट ड्रिप ले चलाए जाते तो अनेक प्रकार के समस्या आते। क्या समस्या थे मूल रूप से कि बोर से एक साथ एक से डेढ़ एकड़ खेत ही सिंचित हो सका थे ड्रिप लगा के, डेढ़ एकड़ पौने दो एकड़ अधिकतम से अधिकतम। और अगर कोई आदमी साथ जैसे यहाँ 8-9 एकड़ के लगभग खेती होते तो बोर के माध्यम से अगर ड्रिप चलाए कोशिश करबो हमन तो बोर के माध्यम से ड्रिप चलाए कोशिश करबो तो एक ठगर बोर है तो एला 5 राउंड में इरीगेशन की जा सकते है। लेकिन रिंग वेल के बड़ा उपयोगिता है एला मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहली मोला एक्सपर्ट में रिंग वेल बनाए बकिन तो मोला लगी इसके अनुपयोगी है शायद करके, लेकिन रिंग वेल के बड़ा उपयोगिता है। और ये रिंग वेल तैयार किए गए है खेत में खेत भर या आप देख सका था। तो ये रिंग वेल है पूरा 15 फीट डायमीटर 15 फीट गहरा बहुत बड़े रिंग वेल तैयार किए गए है। और ये रिंग वेल में पानी ल भर देथन पहली ही और बाद पनडुब्बी पंप ला चला था तो बहुत फोर्स के साथ 5 एकड़ 6 एकड़ एक साथ कवर कर लेते तो इरिगेशन के टाइमिंग बहुत अच्छा से मैनेज हो पाते। इरिगेशन पौधा के लिए जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट मुला लगते। हमन फर्टिगेशन में ध्यान देते हैं कि नाइट्रोजन जाए पोटास जाए यूरिया जाए ये सब सोचते हैं, लेकिन वो सबसे भी ज्यादा जरूरी वाटर मैनेजमेंट है। पानी के ज्यादा भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते और पानी के कमी भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते। तो एग्जैक्ट वाटर एक्यूरेट क्वांटिटी में आना चाहिए पहला चीज। और टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दोपहर के समय अभी के जो 43 डिग्री 44 डिग्री के गर्मी चला थे हमारे छत्तीसगढ़ में, ये समय में अगर दोपहर में कोई पानी छोड़ दी तो गरम तवा के ऊपर पानी छिड़के जैसे हो जाए। तेकर बार या तो रात में थोड़े से किए जा सकते। और सबसे अच्छा समय तो सुबह 5 बजे के आसपास हर 5-6 बजे के बाद हर अच्छा साया दे। जब का मैं सलाह नहीं होता 5-6 बजे से चालू करके सूर्योदय भी लगभग 6 बजे के आसपास हो जाते। आज बदली है तेकर व सूर्य भगवान नहीं दिखते हैं, बाकी 6 बजे से पहले ही अभी सूर्योदय हो जाते। तो सूर्योदय हो जाते प्रकाश संश्लेषण पौधा में चालू कर देते हैं, वही खानी पौधा पानी दे ले वो सीधा यूज भी होते वो बासी भी माढ़े भी नहीं बासी भी नहीं हुए। और जो जमीन सूखा दे के सूर्य भगवान के अभी गर्मी में जो तेवर चला थे तेकर भी काफी हद तक वह मैनेज हो पाते। तो ऐसे कुछ बात में आज आप मन के बीच में शेयर करना चाहत रहे। कई ठा अपार्टमेंट में हमन बात करें विशेष करके सन के बारे में ढेंचा के बारे में। गर्मी के महीना में अगर केला खेती करत हन तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और ओला सही वाटर मैनेजमेंट ढेंचा सन एमन के उपयोग करके अच्छा तरीका से बचाया जा सकत है ये अनुभव में आई से। और उम्मीद करत हूँ कि आने वाला समय में अच्छा फसल भी आई और सफल हो खेती के हमार महायज्ञ में। और एकर माध्यम से हमार सब साथी मन कुछ लभी अपन के अनुभव में लगातार शेयर करत रहा। ये तालाब के गादे नीचे के माटी काफी उपजाऊ होते। तो आज आप मन के बीच में अपन के अनुभव ला शेयर करे हूँ। और ये भी लाइव वीडियो ला खत्म करके पहली यही मैं बोलना चाहता हूँ खेती में जो अभी करत हूँ ते हर मूल रूप से एक उदाहरण प्रस्तुत करे वो करत हूँ। खेती ला कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में द्वयम दर्जा काम मान लेते हैं, कई बार सुने मिलते 40 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ वाला किसान ला भी हमारे समाज में शादी ब्याह करे में भी लड़की वाला मन देना नहीं चाहे शादी नहीं करना चाहे। ऐसे भी कई प्रकार के समस्या पैदा होते जो हमें लगते कि हमारे समाज के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारे देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो ऐसी स्थिति में एक उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अच्छा खेती की जा सका थे। और ठीक है IAS के कलेक्टर की तैयारी सब नहीं कर सके सब झनला वो कई प्रकार के दिक्कत थे, लेकिन खेती काम तो लगभग हमारे गांव में बहुत बड़े संख्या कर सका थे। सब करा 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ तो खेती है ही तो मन तो बहुत अच्छा तरीका से कर सका थे अपन के जीवन अच्छा तरीका से बदल सका थे। तो ऐसे ही स्थिति में हमारा खेती के माध्यम से उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और ताकि
और जो मोर अनुभव हुई तेला ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मतलब शेयर करके अच्छा खेती की ओर हमन सब जो बढ़ सकत हन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाए बहुत अच्छा तरीका से काम हो सकत है। और प्रगतिशील खेती जो कैश क्रॉप है ते मन के बहुत सारा चीज मन की इम्पोर्ट होते बाहर ले हमन अभी भी हमारे देश आयात करते और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा और बहुत बड़े पैसा हमन चुका थन। और दूसर तरफ हमन ऐसे चीज मन के उत्पादन करत रहन जो देश जेकर जो जेकर देश ला प्रदेश ला जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति हर अच्छा नहीं कहे जा सके हमार समाज के लिए हमार प्रदेश के लिए। तो ऐसे क्रॉप मतलब जोन मतलब जेकर जरूरत है हमार क्षेत्र ला जरूरत है हमार छत्तीसगढ़ ला जरूरत है हमार भारत देश ला जरूरत है वो मन के प्रोडक्शन ला हमन बढ़ाए के कोशिश करी और तभी हमार छत्तीसगढ़ अच्छा से प्रगति करी भारत देश अच्छा से प्रगति करी और किसान मन जो जेकर समाज ला जरूरत है वो चीज को उत्पादन करबो तो उकर डिमांड भी अच्छा रही और आसानी से बिक पही और अच्छा मूल्य मिल पही। तो हमला सब चीज का सोच के समझ के जहाँ थोड़े रिस्क लेके जरूरत है थोड़े रिस्क लेके जहाँ इन्वेस्टमेंट करे के जरूरत है वहाँ थोड़ी इन्वेस्टमेंट करे के मैं महसूस करे अभी पिछले 2-3 साल में जब गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े तो बहुत सारा चीज ये भी महसूस करें कि जेकर क्षमता भी है खेती में इन्वेस्ट करे के वो खेती में इन्वेस्ट करना नहीं चाहे वो में रिस्क लेना नहीं चाहे तो अच्छा तरीका से अमन करके भविष्य एग्रीकल्चर के। और अगला एपिसोड में मैं बताऊं कि जैविक तरीका से करे के भी कुछ कुछ हमन अच्छा तरीका से सीख सीख के प्रयास करत हन उमन के बारे में बताए कोशिश कर हा अगला बार जब मैं लाइव में हा एक मटेरियल मनी है गांव के अंदर के घर में है तो जो डिकम्पोजर के जीवामृत के या एसिड जो गोबर के कंडा से बनाए जाते वो सब मतलब भी कैसे करत हन तो मतलब मैं आप मन के बीच में रखे कोशिश कर हा। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय जवान जय किसान। आप सब झनला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपन के आज के लाइव ला समाप्त करत हूँ। जय जोहार।